आ रखी हूँ अपने घर पे, आई मीन टू से कि अपने मायके आ रखी हूँ मैं, और जो कि है गाज़ियाबाद में। और आज हम थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए बाहर आ रखे हैं, हमने कुछ शॉपिंग कर ली है और मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें लेडीज़ का सामान, ये सारी चीज़ें, रौनक, भीड़ देखिए बाज़ार में, भीड़ देखिए, भीड़। ये मार्केट हमारे घर के बहुत पास है, ये दिवाली तक इसी तरीके से बाज़ार लगी रहेगी, गोवर्धन भाई दूज तक आपको यही सब देखने के लिए मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं अपने घर अपने मायके आ रखी हूँ और यहाँ पे आज हम बाज़ार में आए हैं और बहुत ही सही बाज़ार लगी हुई है। और ये बाज़ार है हमारे गाज़ियाबाद की, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग। शाम को यहाँ पे रौनक ही कुछ और होती है, दिवाली की पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, पटाखे, फुलझड़ी, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा मस्त रौनक हो रखी है यहाँ पे। ये देखें बड़ी बंदूक, छोटी बंदूक, पटाखे, सोफे के कवर्स, में देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर बाज़ार सजी हुई है, बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं आप लोग, आज अहोई अष्टमी है तो यहाँ की भी काफ़ी तैयारियाँ हो रखी हैं, औरतें तारा देखकर अपना व्रत खोलती हैं। हम लोग घर पहुंच गए हैं अब और भाभी की पूजा शुरू हो गई है। आज अहोई अष्टमी है, हम सबको पता है, और आज संतान के लिए व्रत रखते हैं, खासकर बेटों के लिए व्रत रखा जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि पूजा कैसे हो रही है, भाभी हमारी क्या कर रही है। ये देखिए यहाँ पे सारी तैयारी हो गई, हमारा छोटा सा बाबू है, बाबू हाथ जोड़िए, जय कैसे अष्टमी का व्रत जाता है, जिस बार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांड कर पूजन किया जाता है। विधि, अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है, जिसमें समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की सायु। ये हमारा पहाड़ी रिवाज है जिसमें हम लोग पहनते हैं नथ और पिछवाड़ा, आपको बताइए उसके साथ पहाड़ियों की शान। खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर, ये हमारा बाबू सबसे बड़ा भक्त पुजारी है, बाबू बाबू जोर से बोलो जय माता दी। ये देखिए जल चढ़ा दिया, ये भाईजान, देखिए हमारे भैया थोड़े बिजी थे, थोड़ा जरा दिखा दीजिए, इन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक है लेकिन फोटो खिंचवाने का बिल्कुल शौक नहीं है, फिर भी मैंने इनकी फोटो डाल दी है, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारी भाभी पहाड़ी अटायर में, पूजा अहोई अष्टमी की पूजा पूरी हो गई भाभी की और अब हम खाना वाना खाएंगे। हम तो खैर, मैं तो पूरे दिन खा ही रही थी, भाभी खाएंगी जल पान करके,
खाना वाना खाएंगी। और आप हमारे ब्लॉग को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और जिन्होंने अहोई अष्टमी का व्रत रखा है उन सब के बच्चों की दीर्घायु हो, वो हमेशा खुश रहे, और जिन्होंने नहीं रखा है उनके बच्चे भी हमेशा खुश रहें, उनकी लंबी उम्र हो और वो निरोग रहे। ओके, बाय, थैंक यू।